अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। ताजरों सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मैशियत मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म पुरअज़्म मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो अब तक इलेक्शन हो जाते, मौलाना फजल रहमान। और दूसरी तरफ महंगाई है, आम आवाम परेशान है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह IMF को बिजली सार्फीन के लिए रिलीफ दिया जा सके। किसी हद तक IMF इस मुतालबे पे कि 200 यूनिट वाले बिजली सार्फीन को रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन उसके बदले में गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। और ये बड़ी टेक्निकल बात है नाज़रीन। जैसे जैसे अब चूँकि वक्त गुजरता जा रहा है, सर्दियों का मौसम होगा पूरे पाकिस्तान में, तो गैस लाइट की लोड शेडिंग तो किसी हद तक बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग होगी और उसके उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा और उसी के ऊपर उसकी कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं, तो रिलीफ आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत जिस तरह बातें कर रही है, पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और वो इदारे जो जो सरकारी हैं और कमा कर नहीं दे रहे, उनको भी प्राइवेट उसके ऊपर किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरह हुकूमत की कोशिश है कि रिलीफ मिले आवाम को। पिछले दिनों जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई बिज़नेस कम्युनिटी से और फिर कल लाहौर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे भी मुलाकात हुई, तो अब बिज़नेस कम्युनिटी का किसी हद तक एतमाद बहाल हुआ है। लेकिन बाहर से सरमायाकारी भी आ रही है, कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये एक चैलेंज होगा निगरान हुकूमत के लिए भी। दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निमटेगी, इस अज़्म का भी इजहार किया गया फोरम में। और साथ ही साथ इस अज़्म को भी दोहराया गया कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है और किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा अवाम के दरमियान, अवाम और इदारों के दरमियान अगर कोई खलीज पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो सख्ती से निपटा जाएगा। कल चूँकि एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, 6 सितंबर भी था, तो जब से आर्मी की तरह चीफ की मुलाकात हुई बिजनेस कम्युनिटी में के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि क्रैकडाउन हुआ करप्शन के खिलाफ भी और ज़खीरा अंदोज़ों और ख़ासतौर पर जो स्मगलिंग में मुलविस माफिया है फैसला किया गया, तो उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो जो माफियाज़ हैं वो सरगर्म हो रहे हैं और वो उल्टा रियासत पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को बार बार इस अज़्म का इजहार किया गया कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तमाम जो स्मगलिंग हो रही है चाहे वो डॉलर्स हों या ईरानी डीजल हो, इन तमाम ज़हीरांदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ फैसला किया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। आज पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में राना गुलजार ताज, सीनियर रहनमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। राना साहब खुश आमदी कहते हैं आपको शो में। आप थोड़ी देर में हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे जनाब आसिफ बाजवा साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनमा हैं मुस्लिम लीग नोन किए, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह इंतहाई सीनियर दफाई तजिया कार हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि खत्ते में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ासतौर पर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। रान साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। निगरान हुकूमत है और महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, ज़ाहिर है डे टू डे अफेयर चलाने होते हैं। मौजूदा जब हम निगरान सेटअप की बात करते हैं उनके पास उस तरह इख्तियार भी नहीं होते। 16 महीने आप इतिहादी हुकूमत रही आपकी और अब महंगाई उस वक्त भी कंट्रोल नहीं हुई, चूँकि जब हुकूमत आपने संभाली थी तो आपने यही कहा था कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और तहरीक अदम एतमाद और आपने मार्च भी किए थे, तारीखी मकसद ये था कि रिलीफ मिले। रिलीफ तो आज भी नहीं मिल रहा आवाम को। तो राना साहब आप खुद अवामी सियासत करते हैं, अवाम में होते हैं, अब आवाम कहाँ जाएँ और किस की तरफ देखें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया सफ़ीर भाई आपका, आपके चैनल का, और आप बड़ी अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं और अवामी इश्यूज़ को उजागर करते हैं, ये क्रेडिट आपको जाता है और आपके K21 को।
शहर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा मार्च किया था और इसीलिए किया था कि जो महंगाई का सुतून है वो नहीं रुक रहा था और बेरोज़गारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और किसान बुरा हाल किसान का था, तो हमने इस चीज़ को सोचा कि ये हुकूमत जो है जब जाएगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। और हमने बड़ी जद्दोजहद की है, हमारे कारकुनों ने, हमारे चेयरमैन ने इस हुकूमत को बुला, आखिर 10 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस आया 2022 में और ये अपने घर को चले गए। लेकिन बदकिस्मती कि जब ये इख्तदार आया तो इस इख्तदार में भी उस महंगाई का सतून थम नहीं सका और इस कदर और ज़्यादा हो गया कि आवाम बड़ी मुश्किल में है। क्योंकि पाकिस्तान में जब तक हम इस IMF से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, ठीक, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें सरवाइव करना पड़े। और ये सब कुछ तब हो सकेगा कि हम सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पाकिस्तान के इदारे और तमाम सहाफ़ी ताजीर सब लोग एक मेज पर आकर बैठें और एक दूसरे को पगड़ियां उछालना बंद कर दें और पाकिस्तान के लिए जो भी एक दूसरे की राय है उसका एहतराम करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत हो चुका कि हम एक दूसरे को बुरा कहते कहते पाकिस्तान को इस नहज पर ले आए हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर नो इस चीज़ पर जद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है कि कोशिश की जाए कि रिकैंसलेशन सियासत के ज़रिए सबको को इकट्ठा किया जाए और जो भी कोताही अगर हुई है तो उस पर अक्सर नो जायज़ा लिया जाए। इसमें आप ठीक कह रहे हैं राणा साहब, लेकिन जायज़ा आपका, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जायज़ा कैसे लेके? इस वक्त 90 दिन में इलेक्शन होने थे, उस वक्त आप कंप्रोमाइज़ हुए, आप के CM वहाँ बैठ के मान कर आए कि ठीक है जी, नए इलेक्शन जो है वो मरदमशुमारी के मुताबिक, नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि 120 दिन तो हमें नई मरदमशुमारी के मुताबिक लगेगा, उसके बाद फिर हम बता नहीं दे तारीख के इलेक्शन कब होंगे, उसके बाद शेड्यूल जारी करेंगे कि कब मुमकिन होंगे इलेक्शन। देखिए, तो 90 दिन तो ना हुए, फिर 90 दिन का जो आइन और कानून कहता है तो वो तो बड़ा वाजे है, उसमें तो कोई यानी 90 से 91 दिन नहीं हो सकते। 60 दिन का मार्जिन था तो वो तो चलो ठीक है, 2 दिन पहले डिसॉल्व हो गए और 90 दिन का मार्जिन मिल गया आपको। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 90 दिन आइन और कानून, दूसरी तरफ आप ही के ऊपर और आप ही के CM उस वक्त के मुराद अली शाह साहब ये चीज़ एडमिट करके आए कि हाँ हम राज़ी हैं, ठीक है जाएँ आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाएँ। ठीक है सफीर भाई, आप सही फरमा रहे होंगे। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि देखिए, जब मरदमशुमारी हो चुकी है और हलका नई हलका बंदियों में सीटें भी नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसी हलका बंदी पे इलेक्शन कराए जाएं। क्योंकि इसलिए कि जब इसी हलका बंदी पे इलेक्शन कराएंगे तो 90 दिन में हो सकते हैं। नई मरदमशुमारी तो नहीं कर रहे, जो अगर नई मरदमशुमारी करते तो जाहिर सी बात है कि नई डिलिमिटेशन होगी, नए सारी चीज़ें होंगी, तो हलका बंदी जो है वो ही इसी पे कराए जाएं। और क्योंकि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है 2017 की, तो बात यह है कि हमने जो हमारा वफद इलेक्शन कमीशन से मिला है, हमने उनको अपने तहफ़ुज़ात सामने रखे हैं, अपनी तमाम रिजर्वेशन उनको कहे हैं, तो अब उसका हमें जवाब है कि वो हमें उसका जवाब दें। हमने चाहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ होने चाहिए, जो कि नहीं होंगे बदकिस्मती से। खैर, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब ने, सीनियर दिफाई तजिया कर रहे हैं। शाह साहब, आपको खुश आमदी कहते हैं प्रोग्राम में। आवाज आपकी बड़ी कम आ रही है। हम कोशिश करेंगे आवाज़ बेहतर हो सके और आप तक सही तरह ऑडियो पहुंच सके। आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नोट से हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, आपको भी खुश आमदी कहते हैं। भाई साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब के साथ पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह देखते हैं? एक तो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और आर्मी चीफ की ज़रा सदारत फैसला किया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत मकम्मल ताकत के साथ निपटेगी और जो सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कल भी दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और इस पूरे रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, इस रीजन को आपने सर्व भी किया है,
अभी तक हम किला कमा उस तरह दहशतगर्दी का नहीं कर सके, चूँकि इक्का दुक्का वाक़ात तो हो ही रहे थे पिछले दिन भी। आप क्या समझते हैं कि मामला अफगानिस्तान की तरफ से है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से हमने फेंसिंग किया था इस पूरे एरिए को, फिर अब TTP तालिबान हुकूमत का पिछले दिनों बयान आया था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज़ जिस तरह की हो रही हैं, आप क्या, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ से इनको सपोर्ट मिल रही है? इनको सपोर्ट तो इंडिया से मिल रही है, और सिंगल सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत वैसे बातें कर रही है, और वो भी उनका दिल जो है पाकिस्तान की तरफ साफ नहीं है, और मेरे ख्याल में हमें जो है वो डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। अभी पिछले दिनों इन्होंने चतराल में बॉर्डर के ऊपर हमला किया जी, कई लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इकट्ठे होकर हमला किया जिससे हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। प्रसाद में वहां पर जो फोर्सेस थी उनकी तरफ से जो रिटेलिएशन हुई उसमें कहते हैं कुछ 12 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉर्डर के ऊपर अटैक की पहली बार ये हुआ है, और अगर ये हो तो डिसाइसिव एक्शन ये होना चाहिए कि हमें उनको बॉर्डर के पार भी ताकुब करना चाहिए और उनको मारना चाहिए। ठीक, जब आपके बॉर्डर के ऊपर हमला होता है तो आपको भी हक हासिल है कि आप काउंटर अटैक करें और उनको जो है खत्म करें। ये मुझे पुराना याद है, कुछ भी है हुआ था कि जीन के बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से कुछ लोग आए थे, और जब पता चला तो उस वक्त की रात रात को एक बटालियन पंजाब रेजिमेंट की वो बूम कर दी गई जीन में, और इतनी देर में वहां के लोकल लोगों ने उनको पछता कर दिया था। लेकिन उनसे जब फौज हमारी वहां पहुंची तो उनको पता चला कि जो वीर के नवाब है जी जी, वो एक गड़बड़ में इन्वॉल्व है, तो उसको उनको कहा वो कल शाम को कि आप इनको साथ ही ले आए, और इस तरीके से वो वीर के नवाब को हटाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक्शन ये चित्राल में हुआ है, ख्याल में हमें अपनी कोशिश को मूव करना चाहिए था जल्दी से, चाहे हेलीकॉप्टर से हम कर सकते थे, और बॉर्डर के पार जाके ये जो लोग हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, ताकि इनको एक दफा पता चले कि आप किसी के बॉर्डर के ऊपर हमला करते हैं तो उसका क्या जवाब मिलता है। इसमें इसमें ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि थोड़ा सा पिछले दिनों आर्मी चीफ बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो स्मगलिंग हो रही है ख़ासतौर पर डॉलर्स की मद में, फिर ईरानी तेल जो आ रहा है वहाँ से, चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर हो रही है, रियासत कमज़ोर हो रही है, तो जब इन चीज़ों के ऊपर जब जब बात की गई तो हमने देखा कि प्रेशर आया और जो माफियाज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और भारत हो गया या हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं तो उनकी तरफ से भी इस तरह की फंडिंग्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं। तो आप समझते हैं कि पिछले चूँकि 5-7 दिन से मुसलसल इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि किस जो भी माफियाज हैं उनके खिलाफ एक्शन होंगे, तो आप समझते हैं कि ये इस तरह के एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि उनको जब अपना मफाद खतरे में नज़र आ रहा है तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि वो तो एक और चीज है जिसके अंदर आर्मी चीफ ने कहा है कि अभी आपके जो है मिलियंस ऑफ डॉलर क्रॉसिंग बॉर्डर जा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान को बाहर दुनिया में तजारत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यहाँ से जो भी डॉलर बाजार से खरीद के वो ले जाते हैं और वहाँ पर ये स्मगलिंग में काम आता है, हुकूमत में काम आता है। मेरे ख्याल से ये एक इशू है स्मगलिंग का, जो ईरान के बॉर्डर पर भी है, इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी है, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो है हमारी FC फ्रंटियर कोर वो भी डिप्लॉयड है, तो उसके बावजूद इस तरह हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक टास्क फोर्स जो बनाई गई है
वो काम कर चुकी है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, और इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक कम किया जा सकता है इसको। और दूसरा ये है कि ये जो हम स्मगलिंग की बात करते हैं, समहाउ हमारे बॉर्डर के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। वो अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल रोकते हैं तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है, ठीक तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो चार उनमें 400 जो सारी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर ये जो मनी चेंजेस है यही फरोख करते हैं डॉलर अफगानियों को, और अफगानी उनको ले जाते हैं। तो अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो खराब होती जा रही है, और जब हमने ठीक करने की कोशिश की तो वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब, दफाई सूरत हाल पे बता रहे थे, और ख़ास तौर पे आज का जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान आर्मी की कोशिश है कि ये जो 2600 किलोमीटर की सरहद है हमारी, इसको सिक्योर किया जा सके और यहाँ से जो स्मगलिंग है उसको रोका जा सके। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं गुफ्तगू आप सुन रहे थे? पॉलिटिकली सूरत हाल पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ख़ासतौर पे इस वक्त आर्मी चीफ फोकस कर रहे हैं इस मामले के ऊपर कि किसी भी तरह ये जो बॉर्डर है उसको उसके ऊपर हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से स्मगलिंग डॉलर्स की बातें हो रही थी, उन चीज़ों को भी अब रोका जा रहा है और सख्ती से निपटा जा रहा है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आपका बहुत शुक्रिया जफीर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जब अफगानिस्तान के ऊपर रशिया ने हमला किया जी, तो पाकिस्तान ने उनको अपना भाई समझा अफगानिस्तान के लोगों को, और अपने घर के दरवाजे खोल दिए, उनका बंदोबस्त किया, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज दी, उनके बच्चों को तालीम के लिए उनके लिए नई खेमा बस्तियां आबाद की, और बगैर वीजा के बगैर डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने यहाँ पे पनागा ली और पाकिस्तान जी जी उसके बाद ये लोग यहीं पर रह के एस्टेब्लिश हो गए, और पाकिस्तान में उन्होंने अपने अपने कारोबार की नेशनलिटीज हासिल की। ठीक बाद आपकी अपन तक सही तरह नहीं पहुंच रही, और कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता करने की, और वक्त भी हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बाजू साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और जनाब राणा गुलजार ताज साहब से भी कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस कब होते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या हल है, आइन और कानून की बालादस्ती कैसे कायम होगी, और जमहूरियत जो हम देख रहे थे 2008 से 2023 तक एक तसलसल रखा, और अब अगर ये इलेक्शंस वक्त पे ना हुए तो ये एक जमहूरी जदोजहद और एक जो रवायत कायम हुई थी अगर इसमें कोई ये डीरेल होती है तो इसका नुकसान मुल्क पाकिस्तान को कितना होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।